बक्सर के सबसे ऐतिहासिक और पौराणिक बाबा ब्रह्मेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। इन्हें मनोकामना बाबा भी कहते हैं। बाबा ब्रह्मेश्वर धाम की तुलना सावन के महीने में देवघर के बाबा बैजनाथ धाम से की जाती है। शिवगंगा सरोवर ब्रह्मपुर के विशाल पोखर से जल लेकर लाखों भक्त बाबा बागेश्वर धाम के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। वहीं बक्सर के ऐतिहासिक श्री रामलेखा घाट से उत्तरायणी गंगा का जल लेकर भक्तों का बड़ा जनसैलाब, जो करीब लाखों की संख्या में लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बाबा ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर उन पर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं कि 1833 ईस्वी में मंदिर का निर्माण कराया गया था। वहीं ब्रह्मा के हाथों स्थापित बाबा ब्रह्मेश्वर शिवलिंग 1333 ईसा पूर्व का बताया जाता है। देवों के देव महादेव बाबा ब्रह्मेश्वर धाम जो है, आप देख सकते हैं यह तस्वीर। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का जो है यह शिवलिंग है, जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किया गया यह शिवलिंग है। इनका जो वर्णन अगर शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों में भी इनका वर्णन किया गया है। तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ की जो है यहाँ, बाबा कहाँ से लोग अभी सुमारी आने वाला है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ धाम में? बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ उत्तर प्रदेश, ये तमाम लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और बक्सर से कामर में डब्बा में जल भर करके लाते हैं। मिनी देवघर और मिनी काशी के रूप में जाना जाता है। विराजते सो ब्रह्मेश्वरनाथ स्थापिते ए न ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी द्वारा बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का स्थापना किया हुआ है। आदिकाल से इस मंदिर का है। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, पश्चिम की तरफ दरवाज़ा है, पूर्व की तरफ दरवाज़ा किधर है? मोहम्मद गजनवी मीर कासी अलीम खा उसका सेनापति था, वो आया और यहाँ पर तोड़ फाड़ करने लगा। यहाँ के जितना धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, मूंगा मड़ी मोती, जितना भी संपत्ति था सारा वो यहाँ से लूट करके ले गया। और इस मंदिर को तोड़ करके उसका मंसूबा था कि मस्जिद बना दे, जैसे कि अयोध्या में राम जी का मंदिर, बाबरी मस्जिद बना मंदिर, कृष्ण मंदिर मथुरा में है, और ये ज्ञानवापी मंदिर बनारस में, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि है, वो उसी के तरह माने कि यहाँ पर भी उसका मंसूबा था कि तोड़ करके इसको मस्जिद बना दें। तो हमारे जो यहाँ के पंडा पुजारी पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा अनर्थ अत्याचार आप मत करिए, हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, क्योंकि वो राजा था, शासक था, उसके अंडर में सभी लोग थे। तो बोला कि अगर इस पत्थल में अगर शक्ति है तो हमारे मजहब के तरफ पूरब से पश्चिम अपना दरवाज़ा कर दें तो छोड़ देंगे, नहीं तो तोड़ करके हम मस्जिद बनाएंगे। लोगों ने भगवान से प्रार्थना किए कि भाई ऐसा बात है, वो अपना मंदिर के चारों तरफ सैनिक लगा दिया। जब अर्धरात्रि हुई तो अचानक भूकंप टाइप का हुआ, गर्जन तड़पन हुआ, आंधी वर्षा बिजली चमक धमक हुआ और पूरा मंदिर ही घूम के पूरब से पश्चिम की तरफ हो गया। वो शासक यही माथा टेक कर अपना सर झुका कर और वापस चला गया। जितना मंदिर बना मस्जिद की लड़ाई थी सारे पश्चिम के तरफ ही है। और यहाँ से इस मंदिर से बाबा परमेश्वर नाथ धाम के मंदिर से पूरब में कहीं कोई मंदिर बना मस्जिद की चर्चा नहीं है, ना मंदिर कोई टूटा है ना खंडित है, सारे सुरक्षित है। हिंदू सनातन धर्म में मंदिर का या घर का दरवाजा प्रायः पूरब दिशा में ही रहता है, लेकिन एकलौता एक यह मंदिर है जिसका दरवाज़ा पूरब से पश्चिम की तरफ हो गया है। वो जो सामने दिखाई पड़ रहा है फाउंडेशन, जो वही दरवाज़ा था, आज वो दरवाज़ा बंद अपने आप हो गया और दरवाज़ा पूरब से पश्चिम की तरफ हो गया। बाबा पर से क्या है?
मंदिर पुजारी अचेत पांडे बाबा परमेश्वर नाथ मंदिर के पंडा पुजारी हैं। तो ये थे बाबा अचेत पुजारी। ये बाबा परमेश्वर नाथ की जो महिमा है आपने सुनी, जो गजनबी जो था, ये बाबा ब्रह्मपुर धाम से जितने भी अगर आप जाइएगा भोजपुर पटना इस इलाके में कहीं भी मंदिर खंडित आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद से जो गजनी था जो इसी मंदिर से वापस नतमस्तक होकर और वापस चला गया था। और इस तरह के मंदिर जो है आप कहीं भी पश्चिम की दिशा में पश्चिमा विमुख जो मंदिर दरवाज़ा है आप कहीं भी नहीं देखिएगा सिवाय बाबा परमेश्वर धाम के। तो बाबा परमेश्वर का जो मनोकामना पूर्ण बाबा जो हैं, इनकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में बाणासुर ने भी पूजा अर्चना और हवन किया था। वेद और पुराणों में वर्णित कथाओं के मुताबिक गजनी की सेना ने जब भारत के कई मंदिरों पर आक्रमण किया था, जहां मंदिरों से स्वर्ण आभूषण लूटना ही उनका काम था, उस समय मिर्जा मीर मोहम्मद कासिम ने भी बाबा ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर पर विध्वंस करने की नीयत से चढ़ाई की थी। लेकिन बाबा की असीम कृपा से यहीं से गजनी की सेना को वापस लौट जाना पड़ा, क्योंकि मंदिर का दरवाजा पूर्व दिशा में था जो पश्चिम में हो गया था। भारत खंड काल में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पश्चिम दिशा में मंदिर का दरवाजा है और गुंबद गोलाकार है, जबकि सभी मंदिरों में त्रिभुजाकार गुंबद होता है। बता दें कि इकलौता मंदिर है जहां की आक्रमणकारियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा था, तो वहीं इस मंदिर का जीर्णोद्धार सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। देवों के देव महादेव, हम पहुंचे हैं अभी बाबा परमेश्वर धाम, जहां आप यह तस्वीर आप देख करके अंदाजा लगाइए, ये जो अमृत सरोवर है जहां ब्रह्मा जी के द्वारा ये सरोवर की स्थापना की गई थी। और यह सरोवर, इस सरोवर का नव निर्माण जो है सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये किया गया था। यहां आप देख रहे हैं स्लोगन के अलावा रंग रोधन का भी काम यहां पे किया गया है। तो आपको बता दें कि बाबा परमेश्वर नाथ का जो ऐतिहासिक जो है इनका इतिहास रहा है कि यहाँ पूरब से पश्चिम के तरफ दरवाज़ा कैसे हुआ, और वहीं इनका जो यहाँ की क्या क्या महिमाएं हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, यहाँ का जो बाबा परमेश्वर नाथ की जो ऐतिहासिक क्या है? यहाँ का ऐतिहासिक है कि जब मुग़ल शासक के समय उनके गजनी के दरबारी थे मीर अली कासिम खां, उस समय यह मंदिर तोड़ते हुए यहाँ पर आए थे, और मंदिर तोड़ते हुए यहाँ पर आए और यहाँ पर भी तोड़ने की उनकी जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। तब हमारे पुजारियों ने अनुनय विनती किया, यहाँ पर रुके, और उन्होंने प्रस्ताव डाला कि जब मंदिर का दरवाज़ा पश्चिमाभिमुख हो जाए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और वैसा ही हुआ, सब रात्रि में प्रहरी को यहाँ पर स्थापित किए, बैठा दिए, और गर्जन तड़तड़ के अनुसार अपना यह चमत्कार रूप भोलेनाथ ने दिखाया। पूर्व से दरवाज़ा पश्चिमाभिमुख हुआ और वो ये लोग यहाँ से चले गए। ये पूरब से पश्चिम की तरफ जो दरवाज़ा है अभी पूरे भारत में कहीं नहीं देखा जाता। नहीं, कहीं नहीं है भारत में, यही है। और मंत्र महारणों में, तंत्र सागर में ऐसा आया है कि जिस मंदिर का दरवाज़ा पश्चिमाभिमुख हो वह तंत्र क्षेत्र में आता है। यह भी हमारे एक इतिहास है, यह मंदिर तंत्र क्षेत्र में आता है। भैरवानंद जोगी यहाँ पर आए, कुछ रोग से निवारण हुए, और वो भी यहाँ पर एक अपना अद्वितीय रूप दिखाए, यहाँ पर अपना चमत्कार दिखाए कि वो कुछ रोग से ग्रसित थे और इसमें स्नान किए, तब उनका यह निवारण हुआ। उस काल से यह मंदिर एक और भव्य रूप में स्थापित हुआ, और बाद में हमारे अग्रज भ्राता सम्मू पांडे जी भी सरोवर की आरती किए। जैसे भैरवानंद जोगी निवारण हुए थे वैसा सब लोग इसका निवारण हो इस जल से स्नान करके, इसलिए उनका यह हम लोग का यह एक दृश्य। सरोवर का नाम क्या है? इस सरोवर का नाम ब्रह्म सरोवर। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे बाणासुर वगैरह जो है वो यहाँ पे कभी हवन वगैरह किए थे। यह पौराणिक कथा है।
ब्रह्मा जी भी इस रास्ते से गुजर रहे थे। सोन और बक्सर के मध्य यह बिहड़ जंगल था। इस जंगल में ब्रह्मा जी जब गुजर रहे थे उनको भयक्रांत व्याप्त हुआ। तब उनको आकाशवाणी हुआ कि आप शिवलिंग की स्थापना कीजिए, क्योंकि शिव जी हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, वो अकाल मृत्यु का हरण करने वाले हैं। तो उनका जब डर व्याप्त हुआ तो यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना किए, भयमुक्त हो गए, डर से मुक्त हो गए। और यहाँ पर वाणासुर इत्यादि राक्षसों ने आकर के पूजा किए, वाणासुर आते थे यहाँ पर, हवन किए, पूजा किए। कुंड देख रहे हैं कि वृत्ताकार कुंड है, वाणासुर का भी हमेशा शत्रु पर वृत्ताकार कुंड में हवन करने से शत्रु का विनाश तो होता है, और वृत्ताकार कुंड में वह वाणासुर आकर के हवन क्या करते थे, क्योंकि उनका अधिक शत्रु था, शत्रु को मर्दन करने के लिए और अपना दिग्विजय करने के लिए उस कुंड में हवन क्या करते थे। अब तो गोलाकार कुंड हो गया है। हाँ, तो वही वृत्ताकार कुंड, वही गोलाकार कुंड है, वृत्ताकार कुंड में उसके पीछे भी एक कुंड है, त्रिभुजाकार कुंड है, वो सात्विक कुंड है। वो त्रिभुजा कुंड के में हवन करने से राष्ट्र में उपद्रवी शांत हुआ करते हैं, उसे शांति मिलता है त्रिभुजाकार कुंड में, और वृत्ताकार कुंड में शत्रुओं का मर्दन होता है। अच्छा, ये मंदिर जो है, मंदिर का प्राचीन इतिहास कब से ये मंदिर के रूप में आया है? यह तो 1333 ईसा पूर्व में ही, मान लीजिए यह उसी समय का यह मंदिर है, क्योंकि यह हर मंदिरों में आपका ये गुम्बज नहीं होता, हर मंदिरों में शिखर होता है, हर मंदिरों में शिखर होता है, लेकिन इस मंदिर का गुम्बज है, मंदिर में गुम्बज है और हर मंदिरों में ये आपका शिखर होता है त्रिभुजा का। और इस मंदिर एक भी ये भी एक अपना एक इतिहास स्थापित करता है इस गुम्बज, यह गुम्बज जो है वो मुसलमान शासक के समय का है। मस्जिदों में गुम्बज होता है और मंदिरों में शिखर होता है, और यहाँ पर शिखर नहीं है, यह गुम्बज है, ये पूर्व से ही है। हाँ, पूर्व से ही है, अनादिकाल से है। अच्छा, आपका परिचय क्या? आचार्य सुंदर पांडे, मंदिर पुजारी जी। ये थे आचार्य पांडे जी, यहाँ के पुजारी, मुख्य पुजारी हैं। अभी हम बात करेंगे गंगा आरती के, जो हैं ये यहाँ पे इसी तालाब सरोवर में गंगा आरती करते हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पे कब से गंगा आरती करते हैं और क्या बाबा की महिमा क्या? बाबा की महिमा तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने यहाँ करके इसका निरीक्षण कर रहे हैं। महिमा तो बाबा परमेश्वरनाथ की ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहाँ सृष्टि के रचयिता ने ही रचना किया है, तो हमें लगता है कि इसके वर्णन करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। श्रद्धालु अपने आते हैं, पूर्वांचल के लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। अब तो इनकी महिमा ऐसी हो गई है, लगातार भीड़ बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं शिव गंगा सरोवर का भी अभी सौंदर्यीकरण बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ उद्घाटन हुआ है, और कई योजनाओं का अभी शिलान्यास भी हुआ है, कुछ योजनाओं का आने वाले समय में भी बहुत सारी योजनाएँ जो शिलान्यास होने वाला है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को, बाबा परमेश्वरनाथ पुजारी समिति का मैं एक सदस्य भी हूँ, जो कि यहाँ का एक नाता है, और गंगा समग्र का, दक्षिण बिहार का संयोजक का दायित्व है, राष्ट्रीय आरती एवं प्रमुख का भी गंगा समग्र का दायित्व है। और हमारा ये कार्यक्रम करीब 4-5 सालों से यहाँ हम लोग गंगा आरती का, बनारस से आते हैं लोग 5 पंडित, और संगीतमय जो दशाश्वमेध घाट पर आरती होता है ठीक उसी तरह से यहाँ आरती का हम आयोजन करते हैं, और काफ़ी इससे यहाँ का एक वातावरण भक्तिमय और धार्मिकमय हो जाता है, तो लोगों को शांति मिलता है, शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और ख़ास तौर पर गंगा समग्र का जो संगठन है, पर्यावरण को लेकर के भी काम करते हैं हम लोग। जल की महत्ता क्या है, आप देख रहे हैं, मेरा कार्यकर्ता है संतोष ओझा, यहाँ का यह कार्यकर्ता हमारा है, काफ़ी दिनों से काफ़ी सक्रिय है यहाँ, और यहाँ को गंगा के जो गंगा समग्र का अपना काम है, इनके जिम्मा काम है, इन्होंने बहुत काम खड़ा किया है, स्वच्छता का भी कार्यक्रम होता है, तो ऐसा हम कार्यक्रम करते हैं, और पर्यावरण के लेकर के भी हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हमारा काम है जब वृक्षारोपण करना, जैविक कृषि के बारे में बताना, और ये जल के बारे में भी, जल का धार्मिक महत्व भी है, जल हमारे जीवन के लिए भी आवश्यकता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। ये जल, इस जल की इतनी महिमा है
ये शिव के ऊपर लोग जल लेते हैं और ले करके जा करके जल चढ़ाते हैं, तो हमको लगता है कि भगवान शिव से भी बढ़ करके ये गंगा जल है, ये जल है शिव गंगा सरोवर का जल है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ आरती का आयोजन करते हैं और लोगों को जल के प्रति भी जागरूक करने का काम करते हैं। एक बात पूछना चाहेंगे कि ये बाबा परमेश्वर नाथ धाम पर राष्ट्रीय स्तर के कौन कौन संत और कौन कौन राजनेता यहाँ पे यहाँ तो अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जहाँ हम खड़े हैं पूजनीय सरसंघचालक जी भी यही आरती किए हैं, गंगा समग के द्वारा यहाँ आरती उन्होंने खुद किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माननीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का यहाँ आगमन हुआ है, यहाँ कई राजनेता आए हैं, जैसे विपक्ष के लोग भी आते हैं, नीतीश जी भी आए हैं, लालू जी भी आए हैं और कई नेता जिनका नाम आप जिनको समझते हैं जो भी आता है यहाँ जरूर आता है। तो ये तो एक हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा स्थल है, इस नाते भी लोग आते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि बाबा परमेश्वरनाथ का धाम मनोकामना लिंग के रूप में जाना जाता है, मैं तो देखा हूँ कई लोग मनोकामना लेकर जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। 2005 में नीतीश जी नयात्रा में आए थे, आपको पता होगा नयात्रा में यहाँ रुक करके 2 घंटा पूजा किए थे। अभी जो सरकार बनी, सरकार बनने के एक दिन पहले यहाँ आ करके उन्होंने सरकार का शपथ ग्रहण किया था, इस नाते बाबा का महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि 2005 में जो व्यक्ति यहाँ आया और शिलान्यास कर करके अभी शपथ ग्रहण एक दिन पहले आकर लेना, ये बहुत बड़ी बाबा की कृपा है। तो इससे तो सभी लोग आते हैं, संत में भी है कौशल जी महाराज, रामभद्राचार्य जी, कई संत यहाँ आए। क्या परिचय हुआ? मैं गंगा समग का संयोजक हूँ दक्षिण बिहार का, शंभुनाथ पांडे मेरा नाम हुआ, राष्ट्रीय आरती एवं प्रमुख का भी दायित्व है और यहाँ का एक पुजारी का भी मेरा दायित्व है, मैं यहाँ का पुजारी। तो आपने सुना मनोकामना ये बाबा इनको कहा जाता है और यहीं पर आपने देखा होगा कि पिछली बार जो बिहार सरकार जो शपथ ग्रहण हुआ था उसके एक दिन पूर्व यहाँ पे एक दृश्य देखने को मिला जहाँ बक्सर सांसद अश्विनी चौबे के साथ नीतीश कुमार का जो वो तस्वीर आपको याद होगा, वो काफ़ी चर्चा यहीं का जो वो तस्वीर था जो काफ़ी वो चर्चा हुआ और अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तो बाबा मनोकामना पूर्ण बाबा ये बाबा परमेश्वर नाथ हैं जो इनकी महिमा अपर जो कहा जाए वो उनका वर्णन करना काफ़ी होगा और यहाँ पे हजारों कहें सोमवारी के दिन जो लाखों की संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं। तो यहाँ जिला प्रशासन की भी पूरी तरह तैयारी की गई है जहाँ आज जिला प्रशासन के तरफ से जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, एसपी मनीष कुमार के साथ जिला के वरीय पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बक्सर से पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 तारीख से सावन शुरू हो रहा है और पहला दिन जो है वही सोमवार पड़ रहा है जिससे अत्यधिक भीड़ होती है, इसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रबंध कर लिया है और संडे के संध्या से ही हम लोगों का डिप्लॉयमेंट जो है डेपुटेशन वो किया हुआ है। हमारे मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्त है कई पॉइंट्स पे। ट्रैफिक हम लोगों ने प्लान कर लिया है, 11 जगह पे हमारे ड्रॉप गेट्स लगे हैं जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस कर्मी और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त है, वहाँ पे हम लोग ट्रैफिक को रोकेंगे या डाइवर्ट करेंगे। कुछ हम लोगों ने पार्किंग स्लॉट भी चिन्हित कर लिए हैं जहाँ अगर कोई बाहर से आता है तो उनको गाड़ियों पार्क करने में दिक्कत नहीं हो। ये 4 लेन पे भी ट्रैफिक को प्लान कर लिया गया है, 4 लेन का एक साइड जो है वो हम लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए, कांवरियों के लिए ईयरमार्क कर दिया है, उस पर सिर्फ श्रद्धालु ही रहेंगे, कांवरिया ही रहेंगे ताकि कोई दुर्घटना आदि की संभावना नहीं रहे। और पूरे लेन पे हमारा पेट्रोलिंग रहेगा, बाइक पेट्रोलिंग हम लोगों ने दी है जो बक्सर शहर से गोलाम्बर से लेके आपको ब्रह्मपुर मंदिर तक अलग अलग पेट्रोलिंग हमने बनाया हुआ है, उसको अलग अलग स्टेज दिया हुआ है और लगातार पेट्रोलिंग रहेगी। 2 शिफ्ट में हम लोगों ने पेट्रोलिंग भी लगाया है। तो उसके बाद मंदिर में भी आपको प्रतिनियुक्ति की जा रही है, एक कंपनी हमें BMP भी प्राप्त हुआ है, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कई थानों के थाना प्रभारी, पुलिसकर्मी यहाँ प्रतिनियुक्त रहेंगे। हम लोगों की का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि श्रद्धालु जो कि दूर दूर से आएंगे, अगल बगल के जिलों से भी आते हैं, उनको पूजा पाठ करने में, दर्शन करने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो, ये हम लोग देख रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी यहाँ कार्यरत रहेगा, किसी को कोई असुविधा होगी तो यहाँ भी बता सकते हैं।
और अच्छे से सब चीजें हो जाएगी। 22 जुलाई से ये जो सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, इस बार भी सावन के महीने में 5 सोमवार हैं, उसके अलावा 2 अगस्त को शिवरात्रि का भी जो है आयोजन इस मंदिर परिसर में किया जाएगा, तो इसी के तहत हर साल की तरह प्रशासन के द्वारा बृहद पैमाने पर व्यवस्थाएं की जा रही, जिससे जो हमारे श्रद्धालु हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे वातावरण में जलाभिषेक इत्यादि का कार्य पूर्ण कर सकें। पूरा जो NH है उसको भी एक NH का जो तरफ रहेगा उसको श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। रामरेखा घाट से जो भी श्रद्धालु जल लेकर इस मंदिर परिसर में आते हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और यातायात प्रबंधन के लिए भी बहुत सारे ड्रॉप गेट्स और व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जगह अलग अलग पालियों में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इस बार जो ये मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हुआ है, इससे भी भीड़ नियंत्रण में प्रशासन को मदद मिलेगी। अच्छा रेलिंग और बाकी लगाया गया है, जिससे श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर जलाभिषेक का कार्य अपना जो है श्रद्धा अर्पण कर पाएंगे। और हम लोग पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि जो एक बेहतर एक्सपीरियंस हम लोग श्रद्धालुओं को देंगे और शांतिपूर्ण वातावरण में इस पर्व को भी हम लोग संपन्न करेंगे। क्या अपील करेंगे सर, इस बार जो कांवरिया आएंगे सब से बाहर से लोग आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कांवरियों से मैं यही अपील करूंगा कि अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो कांवरिय इस मंदिर परिसर में आएंगे, बहुत अच्छे सुखद अनुभव के साथ वो लोग वापस जाएंगे। प्रशासन के स्तर से जो जो तैयारियां करनी है, चाहे यातायात प्रबंधन के से संबंधित हो, चाहे भीड़ नियंत्रण से संबंधित हो, सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी का स्थल निरीक्षण मैंने खुद और पुलिस अधीक्षक महोदय ने कर लिया गया है। गोताखोर की भी प्रतिनियुक्ति जो ये तालाब है इसमें भी की जाएगी, और भी बाकी सभी अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे चिकित्सकीय व्यवस्था हो, ड्रॉप गेट, बैरिकेडिंग इत्यादि सभी जो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के स्तर से की जानी है सभी पूर्ण।